हेलो यूट्यूब, दिस इज प्रणय प्रशुन एंड वन सेकेंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो केंद्रीय का ट्रिप तो ख़त्म हो गया, अभी मैं जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ और जगत सिंहपुर टाउन में हूँ अभी। तो इरादा है कि मैं यहाँ से पारादीप बंदर जाऊँ। पारादीप फोर्ट के अंदर जाके जो अक्सर लोग दिखा नहीं पाते वो सब कुछ आप लोगों को दिखाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे एक पास मिले और जो जो चीज़ें आप लोग देखे नहीं होंगे वो चीज़ें मैं दिखाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं यहीं से और यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जगत सिंहपुर से NH 12 पकड़ के पारादीप तक आ गए। ये रास्ता सीधा जाके कटक तक जाता है और कटक यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। और ये जो चौक देख रहे हो, जो ये चौक का नाम है दो चक्की चौक, और ये NH 53 है। ये सीधा जाके केंद्रपाड़ा देके चंडीगढ़ तक जाता है। तो यहीं से पारादीप की एरिया स्टार्ट होता है और पारादीप फोर्ट यहीं से 8 किलोमीटर दूर है। आप लोग कहीं पे भी चले जाओ, मतलब किसी पोर्ट के एरिया में चले जाओ, आप लोगों को ये डटी डटी सा फील आएगा। और ये गेट कुछ विंटेज सा दिख रहा है। तो इस चौक से सीधा जाओगे तो पारादीप फोर्ट के 1 नंबर और 2 नंबर गेट पड़ेगा, और राइट जाओगे तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर गेट पड़ेगा। तो टोटली पारादीप बंदर की 5 गेट ही है और हम लोगों को 4 नंबर गेट पास मिला है, तो हम लोग 4 नंबर गेट में जाएंगे। ठीक है, वेलकम पारादीप फोर्ट ट्रस्ट। तो अभी हम लोग 4 नंबर गेट के अंदर जा रहे हैं। गेट पास की कुछ फॉर्मेलिटीज मेंटेन करके गेट के अंदर आ गए, 4 नंबर गेट के अंदर आ गए। तो पोर्ट एरिया मतलब चारों तरफ कोयले कोयले जैसे लगेगा, आप लोगों को पूरा डस्टी लगेगा। मतलब आप लोग कितना भी गोरे होके आओ, काला होके जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ से लाइफ में पहली बार किसी पोर्ट के अंदर जा रहे हैं हम लोग। चारों तरफ काला धुआं धुआं, वाओ मैन, मतलब ये 1000 टन की जहाज पानी में कैसे तैरता होगा, सोचते ही कुछ अजीब सजीब सा लगता है। नहीं, ये शायद सीमेंट की डस्ट है। और ये पानी जानबूझ के छिड़का जा रहा है, नहीं तो जितना डस्ट है इतने ये सब एरिया में सब धूल मिट्टी उड़ के किसी के कान नाक में घुस जाएगा। और पोर्ट से जब निकलोगे तो काला काला होके जाओगे। तो वो सब कुछ अवॉइड करने के लिए ये सब पानी छिड़का जा रहा है यहाँ में। चारों तरफ कोयले की पाउडर है, हर तरफ काला ही काला दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बड़े बड़े क्रेन्स और क्या है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री बताते हूँ इसका। तो पारादीप पोर्ट भारत का 10वां सबसे बड़ा पोर्ट है और ईस्ट कोस्ट का सबसे मेजर पोर्ट है। और इस पोर्ट में ज़्यादातर आयरन की ओर्स और एल्युमिनियम की चीज़ें सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। और पारादीप पोर्ट को 1962 में हमारे प्यारे मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक के द्वारा फाउंडेशन स्टार्ट किया गया था और 1966 में ये कम्प्लीट हुआ था। तो यहीं पर एक जहाज लगा हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तेरी ये कितने बड़े बड़े ट्रक है, देखिए आप लोग। तेरी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा ट्रक। मतलब वीडियो में देखा था ये सब बड़े बड़े, पर खाली आंख में इतने बड़े बड़े नहीं देखे थे पहले कभी। तो यहाँ पे कुछ जहाजें लगा गया है साथ ही साथ ट्रक भी लगाया गया है और जहाज से कुछ सामान ट्रकों में अपलोड किया जा रहा है। चारों तरफ कोयले की धूल उड़ रही है, इसलिए हम लोग पूरे कार के अंदर बैठे हुए हैं सब ग्लासेस को उठा के। तो हम थोड़ा पीछे आ गए वो ट्रक को देखने के लिए और साथ ही साथ जहाज को भी देखने के लिए। ओ बाबूजी, कितने बड़े बड़े टायर है
ऐसा लग रहा है कि 12-15 फीट होगा शायद। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, माय गॉड, देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े टायर है। शायद 12 फुट होगा शायद। रुको, मैं टायर के नज़दीक जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। बाबू मैंने फोटो उठे रहे, व्यस्त चलते हैं जहाज के नज़दीक, चलते हैं वहाँ पे क्या अपलोडिंग अनलोडिंग चल रहा है, दिखाते हैं हम लोग। बहुत ही अजीब सा लग रहा है ट्रक के नज़दीक जितना जाओगे। ये सब मशीनों के आगे हम लोग कितने चूहे जैसे लग रहे हैं। अच्छा, उड़ीसा का माल बाहर भेजा जा रहा है, नहीं लूट लो सब कुछ। और ये छोटा सा जहाज है, इतना बड़ा नहीं जितना सोच के आया था मैं, पर ट्रक को देख के सारा पैसा वसूल हो गया। जहाज में कैसे सारे पत्थर अपलोड किया जा रहे हैं। तो ये जो सब मेटल्स देख रहे हो, ये सब आयरन ओर्स नहीं है, ये सब जैस्प्रो मेटल्स है, जो कि इस मेटल से जो स्टील की प्रोडक्ट्स होती है ना वो सब बनते हैं। मतलब जो गाड़ी की चॉक्स वगैरह वगैरह बनता है वो सब कुछ इस मेटल से बनता है। और इस मेटल के भाव सोने के जैसे भाव जैसे हैं। और ये सब मेटल ना चौतर बोल के एक जगह है कटक डिस्ट्रिक्ट में, और डॉक्टर बंसी पंडा की माइन से वो, और उस माइन से ये सब कुछ मेटल्स निकल के आता है। तो छोटे जहाज तो देख लिए, चलते फिर बड़े जहाज की तरफ, एम कहीं भी लगा होगा शायद। तो मिल गया एक बड़ा जहाज, देखते हैं नज़दीक जाके। सब कोयले लेके जा रहे हैं, कोयले की डस्ट लेके जा रहे हैं शायद। क्या लिखा है वहाँ, एपी भेटी लाहो, क्या किस तरह प्रोनाउंस किया जाते हैं पता नहीं। तो जहाज के पूरा नज़दीक आ गए हम।
पहले हम लोग उस जहाज़ के पास थे, वो जहाज़ मतलब क्या लिखा है वहाँ पे, VF ग्लोरी पानामा, वो जहाज़ के पास हम लोग थे पहले और इधर घूम के आ गए। कौन सी कंट्री का है ये जहाज? वाओ, ये बड़ा सा क्रेन आ गया हमारी तरफ, दिखाता हूँ आप लोगों को बहुत नज़दीक से। जहाज़ के अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट किए थे हम लोग उनसे, पर कोविड के गाइडलाइन की वजह से वो लोग मना किए हमें जाने के लिए। मशीन को बुझे एक्चुअली नाटा कौन यार लिब्रा येटा क्रेनटा बड़ क्रेन बड़ क्रेन इंडियन वारहेड्स चीप जैसा लग रहा है, देखते जाके। हाँ, इंडियन वारहेड चीप है ये, शिप का नाम रजिया सुल्ताना है। और वहाँ इंडियन नेवी के शायद कुछ सेशन चल रहा है और यहाँ कुछ मोटर बोट्स रखा गया है, शायद ये जहाज को खींच के अंदर लेके आते हैं ये सब कुछ बोट। तो गाइस, इंडियन नेवी के कुछ ऑफिसर्स मना किए वो सब कुछ फोटो वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हम लोग को वहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ा। और हम लोग जिस गेट के अंदर से आए थे उस गेट से बाहर जा रहे हैं। वे बाबूजी, ये गाड़ी की हालत ऐसा क्या हुआ है शिप पोर्ट के अंदर? फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी महानदी जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिला हुआ है, वो जगह आप लोगों को दूसरी भाग में दिखाएंगे, ठीक है? तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और चैनल की सपोर्ट के लिए वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसे दबाते रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं प्रदीप के नेक्स्ट पार्ट में, सो स्टे ट्यून्ड।